अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम इन बीनिश का टिफिन। आज बीनिश के टिफिन में क्या बनने जा रहा है? आज बीनिश के टिफिन में बहुत ही ज़बरदस्त एक क्रिस्पी पोटैटो वेजेस की रेसिपी बनने जा रही है। आप उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में हम बनाएंगे, जो आप किसी भी चीज़ के साथ सर्व करते हैं वो लोग, या सेपरेटली हम ऑर्डर करते हैं, बिल्कुल वैसे ही बनेंगे। तो चलिए जल्दी से झटपट से हम स्टार्ट करते हैं पोटैटो वेजेस की रेसिपी। मैंने दो बड़े साइज़ के आलू लिए हैं जिसके ऊपर बारीक स्किन होती है, वो वाले आलू लीजिएगा, मोटी स्किन वाले नहीं लीजिएगा। तो उसको हम इस तरह से कट कर लेंगे, जैसे आप एप्पल स्लाइसेस में काटते हैं उस तरह से हम कट करेंगे। ये फ्रेंच फ्राइज से इसका शेप डिफरेंट कटता है। जैसे हम एप्पल की, जो सेब की हम स्लाइसेस करते हैं, देखिए इस तरह से हमने कट कर लिया है। तो मैं इन दोनों आलुओं को इस तरह से कट कर लूँगी। आलूओं को मैंने वेजेस की शेप में कट करके इनको बॉईल कर लेंगे। एक बॉईल आने पर हम निकाल लेंगे, ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, वरना पोटैटो वेजेस आपके क्रिस्पी नहीं बनेंगे। जब तक एक बॉईल आता है हम बैटर रेडी कर लेते हैं। इसका एक हाफ कप मैदा लेंगे, उसमें 1 टीस्पून हम सॉल्ट ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून इसमें हम लहसुन पाउडर ऐड करेंगे, आपको लहसुन पाउडर ही लेना है, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून हम इसमें ऑरिगैनो ऐड करेंगे। इन सबको पहले अच्छे से इसमें मैदे में मिक्स कर लेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और एक बैटर बना लेंगे। पोटैटो वेजेस के लिए बैटर रेडी है। देखें इतनी मैंने कंसिस्टेंसी रखी है, ना ज़्यादा थिक है और ना ज़्यादा रनी है। अब इन वेजेस को जो हमने एक बॉयल करने के लिए रखे थे, उनको हमने निकाल लिया है और थोड़ा सा फैला देंगे ताकि ये ठंडे हो जाएं। ठंडा होने के बाद जो हमने बैटर रेडी किया है उसमें हम डिप करते जाएंगे और सारे पोटैटो वेजेस को हम डीप फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से मैं ये सारे जो पोटैटोज़ हैं उनको मैं बैटर में डिप करती जाऊंगी और हम इन सबको डीप फ्राई कर लेंगे। तो ये देखें हमारे ज़बरदस्त से पोटैटो वेजेस रेडी हैं। आप मेरी रेसिपी से पोटैटो वेजेस ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल क्रिस्पी बनेंगे। चलिए अगर आपको मेरी ये रेसिपी पोटैटो वेजेस की पसंद आई है तो मेरी इस रेसिपी को लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कर दें। चला फिर मिलते हैं एक और न्यू ज़बरदस्त यमी रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।